निकल नहीं रहे निकल यहाँ से। तो भाई आज वो फाइनली बिग डे आ गया है। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लाया हूँ, बट इसके बाद हम जाएंगे सोनीपत, जहाँ पे मामा जी का बिग सरप्राइज़ होने वाला है। वो अपनी मदर से और अपने सारे भाइयों से और फैमिली को सरप्राइज़ करने वाले हैं, और किसी को भी पता नहीं है कि वो कनाडा से आए हैं। तो जल्दी से मैं अपनी मॉर्निंग वॉक कम्प्लीट करता हूँ और उसके बाद चलते हैं हम सोनीपत। तो गुड मॉर्निंग भाइयों, आई होप आप सब सही होंगे और खुश होंगे, और अगर नहीं है तो आई होप मेरी वीडियो देख के हो जाएंगे। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ जी टाउन मुंडा। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, मेरे साथ बने हैं छोटे मामा जी, और जो कि कनाडा से आए हैं, और मैंने आपको जयपुर वाले व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाया था, और मेरे साथ मम्मी भी है। और आज हम जा रहे हैं अपनी नानी जी को सरप्राइज देने सोनीपत में, जहाँ पे वो हैं अभी। और नानी जी को कोई आइडिया नहीं है कि मामा जी कनाडा से आ चुके हैं, तो ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है। इन द सेंस के मतलब मैं जाके हम मैं और मम्मी और मामा जी हम सब काफी एक्साइटेड है जानने के लिए कि कैसा नानी जी का रिएक्शन होगा। मतलब तो हमें पता है वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, बट हाँ मतलब मेनली मैं उसको कैप्चर करने के लिए जा रहा हूँ, और बाकी वहाँ पे सब फैमिली से मिलने के लिए। और वो थोड़ा सा विलेज टाइप गांव टाइप एरिया है, तो आज का व्लॉग आपको थोड़ा एक डिफरेंट सेटिंग में मिलेगा और डिफरेंट टाइप का होगा। जाके आपको थोड़ी सा गांव लाइफ का दिखाता हूँ मैं, कैसा क्या सीन है। और अभी हम केएमपी से जाएंगे, कल हमारा दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे थे, आज हम केएमपी पे जा रहे हैं। तो बैक टू बैक दोनों दिन में हमारे गुड़गांव के आसपास के दोनों मेजर हाईवे कवर हो गए। हम जयपुर जाने से पहले भी हमने हवा चेक नहीं करवाई थी, तो अभी हम पहले रुक के चारों टायर में हवा चेक करवा रहे हैं। हवा इसकी कितनी रहती है, आई थिंक यहाँ पे हमने चेक किया है डोर पे, तो आई थिंक 34 लिखी है। अभी तो चारों टायर में हमने 34 डलवा लिया है, बाकी कम ज़्यादा कर लेंगे अगर लगी तो बाद में। क्योंकि केएमपी हाईवे पे भी कोई ऐसा सच रेस्ट स्टॉप नहीं है और कुछ बढ़िया खाने पीने का नहीं है, तो हम जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं केएमपी पे चढ़ने से पहले पंचगांव पे, वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लेंगे और वहाँ के स्पेशल गोल गप्पे या तंदूरी पराठे खाएंगे। और मामा जी भी अभी ट्राई नहीं किया मामा जी ने ये, तो यस तंदूरी पराठे। तो चलो अब मैं आपको वही पंचगांव पे मिलता हूँ, हाईवे पे आप ड्राइव करते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं। आ गए हम पंचगांव अपने क्विक स्टॉप के लिए, जैसे मैंने बताया था। तो सर नमस्कार जी, तो संडेज को तो ये नॉर्मली काफ़ी भीड़ होते हैं यहाँ पे, और जल्दी से चलते हैं बस पराठे और गोलगप्पे खाने हैं, और मे भी छोले भटूरे भी, और फिर आगे केएमपी पे मिलते हैं आपको। ये यहाँ के फेमस भरवे गोलगप्पे काफ़ी मस्त हैं, ये खाएंगे। आपने पराठे बोल दिए हम, ठीक है, इसके बाद पराठे वराठे खा के निकलते हैं यहाँ से, और बाहर आपको ज़्यादा खाना वाना दिखा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, बाहर केएमपी पे मिलते हैं। खाना खा लिया है और अब हम केएमपी पे चढ़ गए, यहाँ पे 70-80 किलोमीटर हमें सीधा चलना है। पे आ गए हम, ये जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उससे इसमें दो लेन्स कम है, मतलब ये 6 लेन हाईवे है, जैसे आप देख सकते हो 3 लेन इधर है 3 इधर है, और वो जो मुंबई वाला नया एक्सप्रेसवे खुला है वो 8 लेन हाईवे है। तो यहाँ से सोनीपत ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर है, तो हम 1 घंटे में पहुंचेंगे, 1 से 1.5 घंटे के अंदर, और फिर अब आपको अंदर जाके फिर दिखाता हूं। चुके हैं, काफी क्लोज है हम गांव के, तो मामा जी आगे बैठे हुए थे और मम्मी पीछे थी, तो हम सीट स्विच कर रहे हैं क्योंकि कार की विंडोज आपने देखी हैं कितनी बड़ी बड़ी हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो सरप्राइज हमारा एक्सपोज हो जाए। तो अब मामा जी को हम पीछे छुपा देंगे, क्योंकि पीछे तो आपको पता है ये ब्लाइंड्स भी लगे हुए हैं ना, तो दिखेंगे नहीं मामा जी पीछे। और मामा जी यहाँ पे कितने मतलब कितने मामा जी हैं टोटल, 5 है ना? हाँ, पांच, तो 5 में से अभी 3 ही हैं, 2 की डेथ हो गई है। तो मतलब बट 5 घर तो है ही ना? पांच घर है, तो मतलब काफी सारे लोग है। बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि कोई भी पहचान सकता है, इसलिए हमने भी थोड़ा पीछे रुक के चेंज कर लिया सीट स्विच। मास्क हमारे पास अभी अनफॉर्चुनेटली है नहीं गाड़ी में, वरना मास्क भी बुला देते हम। चलो अब अंदर चलते आगे, फिर आपको दिखाता हूँ। लिखा भी हुआ है प्राचीन शिव मंदिर सेवली, उसके बारे में आपको बताते हैं अभी हम आगे।
आ गए हम यहाँ के मंदिर पे, शिव मंदिर पे शिवली के। और मामा जी और मम्मी तो यहीं पे ही ग्रो अप हुए हैं, तो मामा जी से पूछेंगे इस मंदिर की स्पेशलिटी क्या है, बताओ मामा जी। इसमें भाई ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। अच्छा। हम तकरीबन जब छोटे पन से हम देखते आ रहे हैं इसको। कितने और यहाँ पे यहाँ की स्पेशलिटी तो बताओ। स्पेशलिटी ये है कि जो इसका जो शिवलिंग है वो मान्यता है उसकी कि वो जमीन से निकला हुआ है। हाँ। और एक बार क्या हुआ कि पास के गाँव में यहाँ से इस शिवलिंग को न सोचा कि अपने गांव में लेके जाएंगे। हाँ। तो रात के टाइम आए, उस टाइम बैल और गाड़ी चलती थी। अच्छा। और वो लेके आए बैल और गाड़ी और शिवलिंग के आसपास खोदने लग गए कि इस शिवलिंग को निकाल के हम अपने गांव में जाके स्थापित कर देंगे। अच्छा। और वो पूरी रात खोदते रहे, एक तो खुदा नहीं वो मंदिर, जितना भी खुदा उन्होंने खोदने की ट्राई करा, शिवलिंग हाइस्ट कर रहे थे बेसिकली। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो आदमी था जो खोद रहे थे जितने भी थे वो मेरे को पता नहीं कितने थे, वो सारे के सारे सुनने में आया था कि वो सब अंधे हो गए, सारे जो वर्कर्स थे, वर्कर्स थे जो खोदने आए थे। और फिर बाद में इतने में गांव वाले भी आ गए शोर सुन के, और भाई क्या यहाँ पे खुदाई चल रही है। हाँ। तो फिर उनको पकड़ा और मतलब बता रहे थे जो बैल थे वो भी अंधे हो गए। हाँ, बैल भी बताते हैं अंधे हो गए, सुनने में तो यही आया। अच्छा। और दूसरा ये कि इस मंदिर में इसकी इतनी मान्यता है कि जो शिवरात्रि होती है उसमें दो दो तीन तीन घंटे में नंबर आता है, क्योंकि जितने भी आसपास के गांव हैं सब आते हैं, जितने भी मतलब दूर दूर तक आते हैं ट्रेवल करके, मतलब तीन चार घंटे ट्रेवल करके आते हैं। हाँ। इतने 100-150 पता नहीं कितने गाँव के यहाँ पे, आप अपने आप ही मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि जब 2-3 घंटे में नंबर आएगा शिवरात्रि में दर्शन करने के लिए तो कितनी भीड़ आती होगी। और छोटा कोई एक फेयर जैसे मेला होता है वो भी सब कुछ बहुत डेकोरेशन होती है। और मतलब और मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तेरे को बताऊंगा, यहीं पे हुआ था। हाँ, यहीं पर हुआ था। तो थोड़ा सा वहां पे दिखाओ जरा, पर एक ट्यूबवेल होता था। हाँ। ये अभी भी है, यही है ना ये। हाँ, पानी का, ये पानी वाला यहाँ पे। हाँ। ट्यूबवेल होता था और इसके इस तरफ जो था वो नहाने का था। हाँ। बहुत बड़ा एक एरिया था। हाँ। नीचे फर्श था। हाँ। तो बचपन में मतलब मैं हार्डली 8-9 साल का रहा हूँ उस टाइम में। हाँ। तो नहा धो के जैसे हम खेलते भी थे नहाते नहाते, और फिर आधा एक घंटा हो गया था नहा रहे थे। हाँ। और फिर मैंने बोला चलो ठीक है बंद करते हैं चलते हैं। तो मैं जैसे जाने लगा तो जो भी मेरे यहाँ पे यार दोस्त थे जो साथ में खेल रहे थे और नहा भी रहे थे। हाँ। तो एक ने क्या किया कि एक पानी की बाल्टी ली। हाँ। और जैसे मैं जा रहा था मेरे बिल्कुल पैरों के नीचे। हाँ, मारी। दे के मारी पानी की बाल्टी। हाँ। और नीचे गीला था, स्लिपरी था, और हाँ। उसकी जो फोर्स लगी मेरे पैर पे। हाँ। एकदम से मेरे पैर आगे दोनों के दोनों आगे इकट्ठे हो गए, आगे मतलब स्लिप हो गए। हाँ। और सीधा मेरा सिर लगा। अच्छा। और मैं बेहोश। और यहाँ पे उस टाइम पे मेरे मामा के फ्रेंड और वो सब कुछ कोई बैठे हुए थे। उन्होंने मतलब ये सेकंड थॉट नहीं आया कि मैं मेरे साथ में और भी कुछ ज्यादा हो सकता है। हाँ। उन्होंने क्या किया कि मेरे को उठाया और मंदिर के आगे वहां पे लिटा दिया। वहां पे शिवलिंग एक्चुअली वहां पर है अभी, वो बंद हो रखे हैं डोर, तो नहीं तो मैं आपको जाके दिखाता, शाम को हो सकता है आ जाए। हम नहीं, बाहर से भी दिखेगा, दिखेगी शिवलिंग, अभी दिखाते हैं। हाँ। और मेरी मतलब तेरी मदर भी थी वहां। हाँ, पे मॉम भी थी। हाँ। मेरी मॉम और थ्रोबैक ले रही है। और वो ये सारी मतलब हालत देख के। हाँ। रोने लग गई। हाँ। और जो मेरे मामा और उनके फ्रेंड थे उन्होंने मेरे को उठाया और मंदिर के आगे लिटा दिया भाई। अच्छा। और फिर मैं कम से भी कम बेहोश रहूंगा 5-10 मिनट, वो सबको ये पता था, कोई टेंशन भी नहीं था, वो आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो थोड़ा बेहोश हुआ होगा और कोई एक्सटर्नल मतलब खून वून नहीं था। तो अल्टीमेटली मेरी 5-10 मिनट के बीच में अपने आप आँख खुली। तो मेरे जब आँख खुली तो ऐसा लगा कि मैं सो के उठाऊं, मगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे को पता चला ओ मैं तो मेरे साथ तो ऐसे ऐसी चीज हुई। अच्छा। फिर मैं रोने लग गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ। किसी के साथ। और देख मेरे अभी भी अगर तू देखेगा यहाँ पे एक कट का निशान होगा। हाँ, दिख रहा है हल्का सा। हाँ। छोटा सा है। तो ये लगा था सीधा जाके। चलो आज आप शिवलिंग देख के। हाँ बिल्कुल।
काफी पुराने पुराने पेड़ लग रहे हैं ये भी। आओ आपको शिवलिंग दिखाते हैं जिसकी मामा जी ने इतनी बढ़िया हिस्टोरिक कहानी सुनाई है अपने बचपन से। चप्पल यहीं उतार लें। हाँ मैंने दिखाई बीच में रखी है ना। गांव में बेसिकली इसके एंट्रेंस पे ये शिव मंदिर है, तो हम अंदर जाने से पहले यहाँ रुक गए थे और आपको पूरी इसकी बैक स्टोरी भी दे दी है हमने। अब चलते हैं अंदर गांव में और मामा जी का जो बिग सरप्राइज है उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्साइटेड हो मामा जी? बिल्कुल। चलो अब अंदर जाके आपको फाइनली जिसके लिए हम इतना ड्राइव करके आए हैं और मामा जी जिसके लिए कनाडा से आए हैं उसका रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। आ गए हैं मंदिर और अब यहाँ से कोई भी किसी को मामा जी को स्पॉटिंग हो सकती है। तो मामा जी तो लेट ही गए हैं, बिल्कुल प्लानिंग के साथ आए इस मिशन के लिए, लेकिन एज सच यहाँ पे स्ट्रीट्स पे तो कोई दिख नहीं रहा है। इनके लिए कंबल मांग रहे थे हम, क्योंकि अभी छुप के जाएंगे। दूर से पहचान लेता है तो आपको एकदम ही छोटा सा लेके खुश हो गया। काटो काटता तो नहीं ना नहीं काटेगा।
कालू बाइक वाला ना इधर ये 2 किलो उधर छोड़ गया था, 2 किलो इधर छोड़ गया था, यानी खड़ा होने देता कि आ रहे हम, चल आ रहे, चलो चलो हम आ रहे, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, जी टाउन मुंडा साइनिंग आउट।